आप देख रहे हैं एवन टीवी। इस वक्त मैं जयपुर एयरपोर्ट पर हूं, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति आज जयपुर दौरे पर है। उसको लेकर पूरी तरह से जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम पूरे तैनात हैं। ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही लगातार प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जयपुर में आएंगे, जो 25 साल के संबंधों के साधते हुए यहाँ पर द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हालांकि देखिए, दोनों नेताओं को सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पूरी तरह से जो व्यवस्था है प्रशासन की, वो की गई है। और ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जहाँ पर कुछ स्कूली बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई है। और ये जो सुरक्षा के को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट के अंदर जो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, और ये मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरी तरह से स्कूली बच्चे मानव श्रृंखला बनाकर दोनों नेताओं का स्वागत के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। और ऐसे में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और लगभग 2 बजे यहाँ पहुँचेंगे, तो उसको लेकर पूरी तरह से जो स्कूली छात्र हैं वो एक मानव श्रृंखला में नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर दोनों देशों के झंडे लगाए हुए हैं, पूरी सुरक्षा की तैयारियाँ हैं। बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं, किस तरह की खुशी है। कहाँ से आए आप लोग? सर, हम सागर स्कूल से आए। कैसा लग रहा है? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये वो जो देश जुड़े जा रहे हैं, एक देश और दूसरे देश जो यारी मतलब फ्रेंडशिप हो रही है, वो देश का हम खुद बड़ी उत्साह से। बिल्कुल, यारी एक नंबर वन है दोनों की। अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल ये वो छात्र हैं, स्काउट वाले छात्रों से भी बातचीत करते हैं, ये भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में स्कूली बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंसी। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस तरह से स्वागत करेंगे आप लोग? अब आएंगे तो स्वागत तो करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा। देखिए, बिल्कुल तमाम जो यहाँ पर स्काउट गाइड के जो छात्र हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं? उन्हें देखना। देखिए, बिल्कुल ये वो छात्र हैं जिनमें जज्बा है कि आज हमारे जयपुर में अगर इस तरह से एक फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पहुंच रहे हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो काफी रौनक नजर आ रही है। इन स्काउट के छात्रों के चेहरे पर काफी रौनक है, एनसीसी के भी है, बातचीत कर ले। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं? क्या कहेंगे आपको? अच्छा लग रहा है? यस सर। देखिए, बिल्कुल रौनक है और काफी कुछ उत्साह नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर लगातार जो बच्चे हैं उनसे भी हम। देखिए, बिल्कुल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी बहुत फ्रांस के राष्ट्रपति का पोस्टर भी लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, नजर आ रहे हैं। तो ये वो छात्र हैं जिनमें जज्बा देखा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बीच आए, कब हम उनका स्वागत करें। एक मानव श्रृंखला बनाकर पूरी तरह से तैयार है, और ये जयपुर एयरपोर्ट पर पूरी तरह से जो स्वागत की तैयारी में छात्र खड़े हैं, तो ऐसे में ये वो छात्र देखिए, खुशी की लहर, हाथों में तिरंगा लिए हुए ये छात्र खड़े हुए हैं और दोनों देशों के तिरंगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये काफी खुशी नजर आ रही है छात्रों में। और भी बातचीत कर लेते हैं इनसे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत ही बेहतरीन, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं पहली बार सर से मिलना चाह रहा हूँ, इस वजह से मुझे इस बारे में बहुत खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति जो फ्रांस के हैं, अगर उनका यहाँ हमारे देश में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत के लिए ये वो ननियाल हैं जो देश के भविष्य बनते हैं। तो वो ही छात्रों में जज्बा देखा जा रहा है, जिनके हाथ में फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर भी है। इनसे बातचीत कर, आप तस्वीर लेकर खड़े हैं, क्या कहेंगे इनके लिए?
प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे प्रिय हैं, हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनकी सरकार और हम इन्हें इनकी तरह बनना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल वो जज्बा है छात्रों में कि प्रधानमंत्री की तरह हम बनना चाहेंगे। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, लंबी तस्वीरें हैं जहां पर हर किसी के हाथ में तिरंगा, हर किसी के हाथ में फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर नजर आ रही है। तो ऐसे में इन छात्रों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रो जब जयपुर बधा रहे हैं तो उनके लिए ये वो छात्र हैं जिनमें काफी खुशी है, उत्साह है और उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम मनीष है, मैं सांगानेर विद्यालय में वाणिज्य से व्याख्याता हूँ। और जितना उत्साह छात्रों में है माननीय प्रधानमंत्री जी को और जो अपने फ्रांस के श्रीमान राष्ट्रपति मोदी जी आ रहे हैं, तो छात्रों में जो उत्साह वो देखते ही बन रहा है कि हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर है और विदेश से भी जो अपने मेहमान आ रहे हैं और राजस्थान का कल्चर है अतिथि देवो भव पधारो हमारे देश, तो उसी थीम पर हम जो है आज उनके स्वागत में खड़े हैं और बड़ा आनंद में माहौल है। हमारे साथ के स्टाफ फ्रेंड भी हैं। बिल्कुल, देखिए मैडम से भी बात कर लेते हैं। मैडम आज देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? उत्साह का माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हम तो यहाँ पे बच्चों को लेके, तो काफी अच्छा माहौल है। बिल्कुल, ये वो अध्यापक थे जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देख सकते हैं आप, पूरी तरह से तमाम बच्चों के हाथ में तिरंगा है और फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर है और इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री आए, कब फ्रांस के राष्ट्रपति आए। उनके लिए एक मानव श्रृंखला के रूप में बनाई गई है, उनका स्वागत के लिए यहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर दूसरे देश के राष्ट्रपति यहां आ रहे हैं तो उनके लिए स्वागत के लिए ये जयपुर के वो छात्र हैं, वो स्टूडेंट हैं जिनके अंदर जज्बा है कि देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करें, उनके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति का भी स्वागत किया जाए। और ये तस्वीरें दिखाएंगे, दोनों देशों के तिरंगे यहां पर लहरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं ये नजारा आप देख सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एवन टीवी के तमाम दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नन्हे मुन्ने बाल गोपाल भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि कैसा लग रहा है, कौन आ रहा है आज? आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे मिस्टर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से स्कूल से हैं आप? गेटोर से। पूरा नाम क्या है आपके स्कूल का? महात्मा गांधी गेटोर स्कूल। देखिए बिल्कुल छात्रों में भी जज्बा है, ये नन्हे ननिहाल है, हाथों में तिरंगा है और देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक ननिहाल में पूरी तरह से जो कहा जाए कि जज्बा है तो वो यहाँ नजर आ रहा है।